अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। दिस एंड दैट, दिस कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और दैट कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट और नियर टू अस, वो चीज़ें जो हमारे नज़दीक हों उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दिस। लाइक हमारे नज़दीक में कप है, यहाँ पर ये कप है, मैंने लिखा दिस इज़ ए कप, इसके लिए दिस इस्तेमाल होगा क्योंकि हमारे नज़दीक में है। यहाँ पर पेन है, हमारे नज़दीक है, दिस इज़ ए पेन। इसी तरह अब दैट है, दैट उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, और वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज़ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अस, जब हम जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे कुछ दूर होगा, कुछ डिस्टेंस पे होगा। लाइक एक ट्री है फॉर एग्जांपल, ये यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हैं दैट इज़ अ ट्री, इसके लिए हम दैट इस्तेमाल करेंगे जो हमसे दूर हो, थोड़े डिस्टेंस पर हो। इस तरह बुक यहाँ पर है, दैट इज ए बुक। फिर प्यारे बच्चों ए और एन, हम कहाँ पर ए इस्तेमाल करते हैं और एन कहाँ पर यूज करते हैं। ए इज यूज्ड फॉर कंसोनेंट लेटर्स और कंसोनेंट साउंड्स, जो ए है और ए है ये हम यूज करते हैं कंसोनेंट लेटर्स और कंसोनेंट साउंड्स के लिए। वाइल इज एन, एन इज यूज्ड फॉर वॉवल लेटर्स और वॉवल साउंड्स। अब हम पहले देखेंगे जो वॉवल्स हैं वो हैं ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर्स हैं, इन पांच के बगैर जितने भी बचते हैं वो सब क्या आते हैं कंसोनेंट लेटर्स में। अब हम ए देखेंगे और इस्तेमाल कहाँ पर होता है, अ बैग, अ कैट, अ डॉग, अ चेयर, अ लाइन। अब वॉवल्स में लाइक वो लेटर्स जो ए से शुरू होते हैं या ई से, आई से, ओ से और यू से जो शुरू होते हैं उनसे, हाँ उनके साथ हमेशा एन लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लाइक एप्पल ए से शुरू होता है तो एन एप्पल लिखेंगे, आई ई से शुरू होता है एन ईगल, एन आई, इस तरह ईगल ई से शुरू होता है एन ईगल, एन इंकपॉट आई से शुरू होता है एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज ओ से शुरू होता है, इसी तरह अम्ब्रेला यू से शुरू होता है एन अम्ब्रेला। अब एक्सेप्शंस कुछ हैं, लाइक यहाँ पर एच से शुरू होता है ऑनर, लेकिन इसका साउंड है ओ से और एच साइलेंट है, तो इसके लिए लिखेंगे एन ऑनर। इसी तरह ऑनेस्ट एच से शुरू होता है लेकिन ओ की आवाज़ है एन ऑनेस्ट, एन आवर एच साइलेंट है। अब ए के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शंस फॉर ए, यूनियन ये यू से शुरू होता है लेकिन इसके साथ ए लगता है, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।